गोलू के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ढोकला दाबेली। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी सूजी। जितनी ही हमने सूजी ली है उतना ही हम इसमें बटर मिल्क ऐड करेंगे यानी कि छाछ। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। आधे घंटे के बाद सूजी जो है वो अच्छी तरह से भीग गई है, तो हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक पाउच इनो सोडा। दो से तीन चम्मच हम इसके ऊपर पानी ऐड करेंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने स्टील की तीन कटोरियाँ ली हैं और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। सूजी के बैटर को हम इस कटोरी में ऐड करेंगे। इसे हमें पूरा नहीं भरना है क्योंकि ढोकले जो हैं वो फूलेंगे। अब हम एक स्टीमर लेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसके गर्म होने के बाद ही हम इसमें ढोकला ऐड करेंगे। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 20 मिनट के बाद ढोकले जो हैं वो अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं, हम इसे ठंडा होने देंगे। अब हम दाबेली का मसाला बनाएंगे, तो एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल के गर्म होते ही हम इसमें 1/2 चम्मच हींग ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बॉईल किए हुए आलू जिसको मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आलू को हम मैश करते हुए अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। आलू को मैश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे दाबेली का मसाला। इन सारे मसालों को हम आलू में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे मसाले जो हैं वो आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इस मसाले के अंदर हम ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स करेंगे और इस मसाले को हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ढोकले जो हैं वो अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, तो हम इसे इस कटोरी से बाहर निकालेंगे। ढोकले एकदम से ठंडे हो जाएं इसके बाद ही आप इसे कटोरी से बाहर निकालें। अब हम ढोकले को बीच में से कट करेंगे। ढोकले की एक साइड पर हम लगाएंगे खजूर और इमली की चटनी। इसके बाद हम इसके ऊपर हरी चटनी लगाएंगे, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। बनाए गए दाबेली के मसाले को हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। दाबेली के मसाले को हम इसके ऊपर थोड़ा सा दबाकर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। थोड़ी सी हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। मसाला मूंगफली के थोड़े से दाने ऐड करेंगे। बेसन की बनी सेव ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करेंगे। अब हम ढोकले की दूसरी स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे खजूर और इमली की चटनी। थोड़ी सी हरी चटनी भी लगाएंगे। अब हम ढोकला दाबेली को सेकेंगे, तो इसके लिए एक पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ढोकला दाबेली को दोनों साइड से ऑयल लगाकर हम थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक इसे सेकेंगे। ढोकला दाबेली को दोनों साइड से पलटकर अच्छी तरह से सेकेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है बिल्कुल ही नई रेसिपी ढोकला दाबेली। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।